हेलो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन में कभी कभी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो एमपीसी एमपीएस से रिलेटेड या एपीसी एमपीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके जो टेबल को किस तरह से फिल करते हैं ये सीखेंगे हम। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को फिल करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यहाँ पर आपको फार्मूले पर ध्यान देना होता है क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सारे टेबल में कुछ ना कुछ डेटा दिया हुआ है, साथ साथ कुछ अधूरा पड़ा हुआ है। हमें एक चीज का जो दिया गया डेटा दूसरे को फिल करने के लिए यूज करना है। किस तरीके से यूज करना है वो एक से रिलेटेड दूसरा होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इनकम लेवल जब जीरो है और कंजप्शन हमारा 80 है, जब इनकम जीरो है तो एमपीएस और एपीएस खाली रहेगा, कुछ नहीं होगा। और हमें एमपीएस और एपीएस यानी कि सेविंग बजट से रिलेटेड दे रखा है, यानी कि कंजप्शन सी दे रखा है, तो हमें एस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहीं की एस की जरूरत पड़ेगी तो एस भी साथ साथ कैलकुलेट करते हुए चले कि ये हमारा ऐसी बकिंग है, इसके मार्क्स आपको नहीं मिलने हैं, आपके केवल इतने के मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको सबसे पहले लेवल में देखिए, फर्स्ट लाइन में आपको इनकम दे रखा है 100, कंजप्शन सी दे रखा 140, एमपीएस भी दिया हुआ है, लेकिन आपको एपीएस कैलकुलेशन करना है। लेकिन एपीएस कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला आपको पता है कि एपीएस इक्वल टू होता है एस अपॉन बाय, यानी कि एस चाहिए। दैट्स मीन सबसे पहले एस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एस इक्वल टू हो जाएगा इनकम माइनस कंजप्शन। इनकम में से कंजप्शन को माइनस करेंगे यानी कि 100 माइनस 140 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 40, यानी कि यहाँ पर सेविंग जो है माइनस का 40 है। यहाँ पर सेविंग कितना है? माइनस का 40 है। जब सेविंग माइनस का 40 है, हमें निकालना है एपीएस, यानी कि हो जाएगा माइनस का 40 अपॉन हमारा इनकम है 100। दैट मींस एपीसी हो जाएगा 0.4, वो भी माइनस का। देन यहाँ पर जो आंसर आएगा 0.4 माइनस का। तो हमारा सबसे पहला हमने क्या निकाल लिया, हमने एपीएस कैलकुलेट कर लिया है। अब दूसरे में क्या निकालना है, दूसरे वाले लाइन में इनकम दे रखा है, हम पर जो सीबी निकालना है और एमपीएस भी निकालना है। अब एमपीएस निकालने के लिए और एपीएस जीरो दे रखा है, आपको पता है जब एपीएस इक्वल टू जीरो है इसका मतलब सेविंग इक्वल टू जीरो है। जब सेविंग जीरो हुआ ऐसे में तब यहां पर क्या होता है, बॉय इक्वल टू सी हो जाएगा। देन बॉय इक्वल टू सी होगा, आपको पता है यहां पर बॉय कितना दिया इस लेवल में 200, यानी कि बॉय और सी दोनों क्या हुआ बराबर हो गया, यानी कि सी इक्वल टू 200। देन सी हमारा कैलकुलेट हो गया 200, सी कैलकुलेट हो गया 200। अब जब सी 200 है और इनकम 200 है तो एस कितना होगा, जीरो। जब एस जीरो है अब हमें क्या कैलकुलेट करना है ये देखिए, अब हमें कैलकुलेट करना है एमपीएस इसी में। अब एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई तो हमने कैलकुलेट कर लिया, 100 और 200 के बीच का गैप होता है कितना, 100। तो डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एस माइनस 40 था, माइनस 40 से जीरो हो गया, यानी कि यहां पर जो गैप हो गया वो 40 का हुआ डेल्टा एस। डेल्टा 40 आया, देखिए छोटा छोटा चीजें कैलकुलेशन है, इसको माइंड में भी आपको करना पड़ेगा। देन हमारा यहाँ पर जो है एमपीएस कितना आएगा, 0.4 आया। तो एमपीएस 0.4 इस लेवल में आया, तो एमपीएस हमने फिल कर दिया। यहां तक हमारा हो गया। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, अब हमें कैलकुलेट करना है इनकम। इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कंजन दे रखा है, सी दे रखा हुआ है, एमपीएस नहीं दिया हुआ है और एपीएस दिया हुआ है और एस भी नहीं दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेट करें। अब यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। अब कैलकुलेशन कैसे बढ़ेगा, सबसे पहले जब एपीएस आपका कितना दे रखा है, एपीएस इक्वल टू 0.25 दे रखा है, तो यहां से आप एपीसी निकाल लीजिए, एपीसी हो जाएगा 0.75, क्योंकि दोनों का टोटल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जब एपीसी 0.75 आ गया तब ऐसे में फार्मूला लगा देते हैं एपीसी का, एपीसी इक्वल टू होता है सी अपॉन वाई। एपीसी ऑलरेडी दिया हुआ है 0.75 इक्वल टू सी भी यहां पर दे रखा है 240, हमें निकालना है वाई। दैट मींस वाई इक्वल टू हो जाएगा 240 अपॉन 0.75।
अब 240 को 0.75 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो यहां पर आ जाएगा, ये कैलकुलेट अच्छे से करेंगे तो 320, यानी कि 320 हमारा आ गया वाल। तो हमारा हमने फिल कर दिया, 320 हमारा आ गया। अब 320 आ गया, जब अब 320 जब आ गया, हमें क्या चाहिए, एमपीएस चाहिए, एमपीएस के लिए हमें एस भी चाहिए होगा, तो 320 से 280 को 40 को माइनस कर दिए तो ये आ गया 80, यानी कि हमारा 80 आ गया सेविंग। अब हमें एमपीएस निकालना है, एमपीएस इक्वल टू सेविंग में कितना चेंज हुआ 80, और साथ ही साथ इनकम में चेंज हुआ 120, तो 80 को हम जो है 80 को 120 से अगर डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.67, जो आंसर आ रहा है 0.67, दैट्स मीन हमारे पास हो जाएंगे 0.67, ये हो गया। अब जो है लास्ट हमें फिल करना है, लास्ट में भी वही इनकम कैलकुलेट करना है। जब हमें इनकम की कैलकुलेशन करनी है लास्ट में, तो यहां पर भी सेम वही दे रखेंगे, एपीएस दे रखा है, एपीएस इक्वल टू 0.35, दैट मीन्स एपीसी का द्वारा 0.65। अब एपीसी जब दे रखा है तो यहां पर एपीसी का फॉर्मूला लगा दीजिए, एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई, एपीसी दे रखा है 0.65, आई वाई पर सी ऑलरेडी दे रखा है 260 डिवाइडेड बाय वाई, देन वाई कर दो जगह 260 अपॉन 0.65। अब 260 को हम जो है 0.65 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आंसर 400, दैट मीन्स हमारा इनकम आ गया यहां पर 400, हमने फिल कर दी। अब यहां पर हमारा सेविंग निकालने की जरूरत नहीं है, सेविंग निकालते भी है तो देखिए कितना सेविंग आता है, 400 में से 60 को डिवाइड माइनस कर दीजिए 4, 3 में से 140 हमारा सेविंग आ गया। तो इस वे में हम देखिए एक का यूज दूसरे की कैलकुलेशन करने के लिए करना है, इसलिए आपको फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए तब जाके कैलकुलेट होता है। थैंक यू, शेयर कीजिए।